माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी उत्तम जी, स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद जी, आदरणीय साध्वी प्रज्ञा भारती जी, सभी पूज्य संतगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस संपूर्ण नर्मदा सेवा यात्रा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी स्वयंसेवकगण, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं एवं प्यारे बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी संरक्षण योजना को मूर्त रूप देने के लिए मैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक कर्मठ, एक संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सचमुच जो आज दुनिया की आवश्यकता है उसको मूर्त रूप करके दिखा दिया है। सज्जनों, मुझे तो अभी उत्तर प्रदेश में आए हुए लगभग 1 महीना 10 दिन हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों के सामने एक चुनौती है और वह है नमामि गंगे परियोजना, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को हम कैसे बनाए रख सकें? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बृहद योजना तैयार की है। पिछली सरकारों ने वहां कोई कार्य नहीं किया और मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर किस रूप में मैं इन योजनाओं को वहां मूर्त रूप दूं। और तब मेरे कानों में गूंज रहा था कि आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में नमामि गंगे, नमामि नर्मदे योजना के अंतर्गत नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की है और एक बार मुझे वहां देखना चाहिए कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है और उस तर्ज पर नमामि गंगे परियोजना को हम आगे बढ़ाएं। मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मैं अत्यंत अभिभूत हूं आप सबके उत्साह को देख करके। जब मैं लखनऊ से चल रहा था तो मैं अपने सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से बोल रहा था कि भाई उस क्षेत्र में तो बड़ी गर्मी होगी क्योंकि बुंदेलखंड के बाद जो गर्मी पड़ती है मध्य प्रदेश में, लेकिन आज आपके उत्साह को देख करके 1 किलोमीटर पहले से माताएं जिस रूप से कलश लेकर के अपनी सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार यात्रा का स्वागत कर रही हैं इस भीषण गर्मी में, टेम्परेचर जब 42 से 45 डिग्री तक चढ़ रहा है और उन स्थितियों में कलश लेकर के अपनी सनातन परंपरा के अनुसार और जो उत्साह नौजवानों में, बुजुर्गों में, माताओं में, प्रत्येक तबके के अंदर देखने को मिल रहा है, यह योग्य नेतृत्व का एक प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में एक योग्य और संवेदनशील नेतृत्व है तो उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता कुछ भी करने को तैयार है। सज्जनों, निश्चित ही अभिनंदनीय है आदरणीय शिवराज जी का यह अभियान। आप देखेंगे जब हम कोई भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी, ऐसा नहीं होगा कि जो प्रातः काल स्नान करते समय देश की 7 पवित्र नदियों का नाम उच्चारण न करता हो।
वह भले ही उन नदियों के दर्शन न किया हो, लेकिन स्मरण स्नान करते समय जब अपने सिर के ऊपर एक लोटा जल डालता है तो सात नदियों का स्मरण करता है, गंगे की, यमुने की, गोदावरी की, नर्मदे की, सिंधु की, कावेरी की, इन सात पवित्र नदियों का स्मरण करके उसको लगता है कि देश की पवित्रता की प्रतीक इन सात नदियों का जल एक साथ मेरे ऊपर पड़ करके मेरे सारे पापों से, मेरे सारे तापों से मुझे मुक्त कर रहा है। और वह पवित्र कार्य आप सब नर्मदा के तट पर बसने वाले वासियों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त हो रहा है। इस तट पर बसने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है और इसके नजदीक के साथ इस दुनिया की सबसे बड़े नदी संरक्षण योजना के साथ आपके यशस्वी मुख्यमंत्री ने आपको जोड़ा है, इसके लिए आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, इतनी बड़ी योजना, लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा, आज लोग आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते। 44 स्थानों पर स्वयं मुख्यमंत्री उपस्थित होकर के किसी योजना को सफल बना रहे हो, आप उसके महत्व को जान सकते होंगे। आपको याद होगा आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि इस दुनिया के अंदर अगला जो विश्व युद्ध होगा वह किसी एक मुद्दे को लेकर के होगा, तो जल के मुद्दे को लेकर के होगा। हमने जल को जीवन का आधार माना है। दुनिया की जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं वे किसी न किसी नदी के तट पर पनपी हैं। आप चले जाइए सिंधु नदी की सभ्यता, सिंधु नदी पर पनपी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को आप देखेंगे, आपके मध्य प्रदेश की महासमती की जो सभ्यता है 10,000 वर्ष भी पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। और इस प्राचीन सभ्यता का प्रमाण नदियों के तट पर प्राप्त होता रहा है, लेकिन मानव ने अपने स्वयं की भौतिक अभिलक्षा में, अपने स्वार्थों में भारत की, दुनिया की नदी सभ्यता को नष्ट करना प्रारंभ किया। और जिन सात पवित्र नदियों का हम स्मरण करते हैं उसमें से एक पवित्र नदी तो सरस्वती आज हम सबको दृश्यमान है ही नहीं। प्रयाग में हम जाते हैं त्रिवेणी के नाम पर स्नान करने के लिए, लेकिन गंगा जी और यमुना जी के ही दर्शन हो पाते हैं, सरस्वती के दर्शन ही नहीं हो पाते, वह दृश्य ही रह गई। कहां से बहती थी, कहां तक जाती थी, आज उसको भारत के पुरातत्व विशेषज्ञ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, सैटेलाइट से मैपिंग कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये नदी कहां लुप्त हो गई। और यही कारण है कि जिनमें दूरदर्शिता है, जिन्होंने आने वाले समय की और आने वाली पीढ़ी की चिंता की, उस चिंता का प्रमाण है एक तरफ दिल्ली में बैठ करके देश की उस सबसे बड़ी नदी सभ्यता को बचाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी ताकत लगाई जाती है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की पहचान इस नर्मदा नदी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह अभियान यहां प्रारंभ किया गया है। और स्वयं इन यात्राओं में शामिल होकर के कितना जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कोई कल्पना कर सकता है किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़, इतना उत्साह, इतना अनुशासन, इतना गजब का लोगों के अंदर श्रद्धा का यह भाव। सज्जनों, भारत अगर बचा हुआ है इसी श्रद्धा से बचा हुआ है। भारत की पहचान यही आस्था है जिसने हमें भले देश के अंदर अलग अलग रूपों में, हमारी जातियां अलग हैं, हमारे प्रांत अलग हैं, हमारे खान पान अलग हैं, हमारा रह
रहन सहन, हमारे तमाम प्रकार की परंपराएं, वेशभूषा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी आस्था एक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, और इस आस्था ने भारत को भारत बनाया है। और यही आस्था केरल से एक सन्यासी को चार पीठों की स्थापना करने के लिए देश के चार कोनों में, उस कालखंड में जब भले ही भारत सांस्कृतिक रूप से एक रहा हो लेकिन राजनीतिक रूप से अलग अलग इकाइयां रही हो, उस कालखंड में भी भारत के अंदर अगर आदि शंकराचार्य ने चार पीठों की स्थापना की तो उसके पीछे ये आस्था थी, जो आस्था यहां उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए आप सचमुच अभिनंदन के पात्र हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय शिवराज जी का, जिनके मन में ये परिकल्पना आई कि हमें अपने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए, और फिर इस परिकल्पना को साकार करने के लिए वे स्वयं मैदान में निकल गए। और आज ये यात्रा 110 दिन पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है, और 15 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप सबको जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके साथ कार्यक्रम का, यात्रा का तो समापरोप होगा, लेकिन जल संरक्षण की एक बृहद योजना के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सज्जनों, जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, आज से 12 साल पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? तब देश के सबसे पिछड़े और सबसे बीमारू प्रदेश में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। तब मध्य प्रदेश देश के बीमार प्रदेश के रूप में, सबसे गरीब प्रदेश के रूप में, सबसे कमजोर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में इसकी तुलना होती थी। और आज जब मैं आपके मध्य प्रदेश में आ रहा था, मैं देख रहा था कि गेहूं उत्पादन में क्या स्थिति है। मैं बधाई दूंगा आपको कि देश के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश ने किया है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आज अग्रणी प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया है। देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश अग्रणी आ गया है। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, नए नए प्रयोगों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अपना स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश जिसका एक बड़ा भूभाग ऐसा था जो जिसमें सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, आज मध्य प्रदेश ने उसमें प्रगति की। एक मध्य प्रदेश वह जो आज से 10 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व था, जिस मध्य प्रदेश की पहचान उस समय होती थी तब किस रूप में, जहां सड़कें टूटी फूटी होती थी। मैं भी गया था एक बार 12 वर्ष पहले, मैं आया था चित्रकूट से मैयर होते हुए, और फिर मैं तमाम क्षेत्रों से होते हुए इंदौर, उज्जैन होते हुए, ओंकारेश्वर होते हुए, धार होते हुए, मैं गुजरात की तरफ निकला था, बाई रोड निकला था। हालत खराब हो गई थी, सड़कें टूटी फूटी थी, ऐसी स्थिति थी कि ऐसे लगता था कि प्रतिदिन हम 100 किलोमीटर से अधिक नहीं चल सकते। लेकिन आज जब मैं देख रहा था यहां की सड़कों को, अभी पिछले वर्ष कुंभ का बृहद आयोजन उज्जैन में किस रूप में हुआ, सारे संत प्रफुल्लित थे, सारे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में, यानी दुनिया के अंदर तमाम देशों की जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा श्रद्धालु आपके उज्जैन महाकुंभ में आते हैं, और कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं। सारा संत समुदाय इस बात के लिए प्रफुल्लित कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमारी श्रद्धा का ध्यान रखा गया। वहां पर मां छिप्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता के साथ प्रवाहित करके संतों के मन का कार्य, उनके दिल की बात स्वयं मूर्त रूप देकर के कर दिया। मध्य प्रदेश में सड़कें कैसी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति कैसे होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में हर तबके के लिए किस प्रकार की योजनाएं। मैं स्वयं इस बात के लिए मध्य प्रदेश में अपनी एक टीम को भेजा, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात का आग्रह किया कि आपकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वह गरीब को भोजन देने की अन्नपूर्णा योजना का हो,
चाहे वह सामूहिक विवाह की, कन्याओं की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम की योजना कितनी लोकप्रिय देश और दुनिया के अंदर हो रही है, वास्तव में उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कितना बृहद स्वरूप और किस रूप में उन कार्यक्रमों को आपने अंजाम दिया है एक छोटे से कार्यकाल के दौरान। और इसलिए जब आज हम नदी संरक्षण के अभियान के साथ चल रहे हैं तो सज्जनों, ये केवल नदी संरक्षण का नहीं, ये मानवता के संरक्षण का, इस सृष्टि के संरक्षण का एक अभिनव कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के साथ हर उस व्यक्ति को जुड़ना चाहिए जो विश्व मानवता के कल्याण के प्रति थोड़ा भी भाव रखता है, उस हर व्यक्ति को इसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह सनातन हिंदू धर्म की ये संरक्षण का नहीं, ये मानवता के संरक्षण का, इस सृष्टि के संरक्षण का एक अभिनव कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के साथ हर उस व्यक्ति को जुड़ना चाहिए जो विश्व मानवता के कल्याण के प्रति थोड़ा भी भल होगी। अभी तो आने वाली पीढ़ी के सामने हम एक धरोहर के रूप में देख पाएंगे। इस बृहद अभियान के साथ जो सबसे बड़ा कार्य हुआ कि स्वयं मुख्यमंत्री जाकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं और नर्मदा जी के दोनों तटों पर तमाम प्रकार की औषधीय वाटिकाएं स्थापित होंगी। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आने वाले समय में एक नया कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ होगा और मध्य प्रदेश आज उस जो एक कलंक था कि बीमार है, गरीब है, उससे तो आपने उभारा ही। आने वाले समय में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनकर के देश और दुनिया के लिए एक आदर्श बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए आपका अभिनंदन है और मुझे विश्वास है कि नमामि देवी नर्मदे की तर्ज पर हम लोग उत्तर प्रदेश के नदी संरक्षण के इस बृहद कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा पाएंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है गंगा जी के प्रति, गंगा जी की धारा अविरल रहे, निर्मल रहे, गंगा जी की सहायक नदियां चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो गोमती हो, चाहे वो सरयू जी हो, चाहे वो राप्ती हो, चाहे गंडक हो, इन सभी नदियों को भी हम कैसे निर्मल कर सकें, कैसे अविरल कर सकें, इस दिशा में हम सबको भी और एक नई स्फूर्ति के साथ कार्य करने में आनंद की अनुभूति होगी। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करूंगा। एक बृहद जल संरक्षण योजना के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े अभियान को मूर्त रूप देने के लिए और जो उत्साह मध्य प्रदेश के अंदर आज हम सबको देखने को मिला है, यह सचमुच अभिनंदनीय है, एक शुभ संकेत है। जल संरक्षण के साथ साथ मानव सभ्यता को सुरक्षित रखने की दिशा में किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि दुनिया के जल या पर्यावरण विशेषज्ञों के सामने जो चिंता है, उस चिंता की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान साबित होगा, मुझे यह विश्वास है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हुए आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाई भाई के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाने में कार्य निश्चित ही हर प्रकार के सहयोग के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो नर्मदा सेवा यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को आप सुन रहे थे और इस कार्यक्रम में शरीक होते हुए उन्होंने बताया कि असल में जल संरक्षण कितना जरूरी है मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए। बिना जल के संचय के बात नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश की तमाम खूबियों को भी उन्होंने यहां पर गिनाया और अपनी बात रखी। नमामि गंगे योजना का भी जिक्र किया और कहा कि बड़ी चुनौती है। और अब शिवराज चौहान बोल रहे हैं। नर्मदा मैया की, भारत माता की, संत समाज की, नर्मदा भक्तों की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, ओ भांजो जय श्री राम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आत्मनोमोक्षार्थ जगत हिताय का जिनके जीवन का लक्ष्य किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं,
उत्तर प्रदेश और देश के कल्याण के लिए जो राजनीति में है और आज कृपा करके नर्मदा सेवा यात्रा में पधारे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री